हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम पहली बार क्लास ट्वेल्थ, जी हाँ आपने सही सुना, क्लास ट्वेल्थ की जो बुक है इंग्लिश की फ्लेमिंगो, उसका पोएट्री सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। पहले उसकी पहली पोएम माय मदर एट 66 वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है कमला दास ने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस पोएम में क्या कहा गया है, ये पोएम किस बारे में है। टाइटल तो ठीक है, माय मदर एट 66, देखने से पता चलता है कि एट द एज ऑफ 66 जो पोएटिस है उसकी मदर कैसी थी, उसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोएम के समरी। तो इस पोएम में जो पोएटिस है, यानी कि जिसने ये पोएम लिखी है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है। इसके थ्रू वो ह्यूमन रिलेशनशिप का एक साधारण, एक मतलब विरोधाभास व्यक्त करती है, एक जिसे कहते हैं कि पैराडॉक्स, कॉमन पैराडॉक्स। कई बार हम किसी के प्रति गहरी सहानुभूति, एक डीप सिंपथी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम इसे प्रॉपर मैनर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम किसी पर्सन के लिए हम बहुत मतलब फील करते हैं, लेकिन उसे वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो फ्राइडे की सुबह पोएटिस अपनी मदर के घर से वो कोचिन के एयरपोर्ट जा रही थी। उसकी माँ कार में उसके बगल में बैठी हुई थी। माँ की उम्र तब 66 ईयर्स थी। जाते हुए पोएटिस की माँ ने, जो वो बैठी हुई थी, तो पोएटिस ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसने देखा कि उसकी माँ सो रही थी और उनका मुंह जबड़ा तब खुला हुआ था। उसका चेहरा इतना ही पीला था जितना किसी लाश का होता है, किसी मरे हुए व्यक्ति का होता है, इतना पीला पड़ चुका था। तो पोएटिस को बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ कि उसकी माँ ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन फिर जल्द ही उसने इस पेनफुल थॉट को अपने मन से निकाल दिया। उसने सड़क के किनारे वो छोटे छोटे पेड़ों को देखना शुरू कर दिया जो तेज़ भागते हुए लग रहे थे। उसने बच्चों को अपने घरों से बाहर खुशी में भागते हुए देखा। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पोएटिस ने सिक्योरिटी चेक करवाई। उसकी माँ कुछ गज दूर बाहर खड़ी थी। सिक्योरिटी चेक के बाद पोएटिस ने उतनी दूर से फिर अपनी माँ की तरफ देखा। माँ का चेहरा पीली सफ़ेदी लिए हुआ था, उतना ही पीला लग रहा था जितना पीला विंटर के लास्ट दिनों में मून यानी कि चांद लगता है। पोएटिस को अपने शरीर में एक पुरानी जानी पहचानी एक पीड़ा, एक पेन महसूस हुआ। ये उसी तरह के थी जैसे वो अपने बचपन में महसूस किया करती थी। जब उस पर कोई फियर, कोई डर छा जाता है तो वो उसे मन में ऐसा डर लगा रहता है, एक पेन महसूस होता है, वैसा पेन वो अभी महसूस कर रही थी। फिर भी उसने अपनी माँ से एक भी वर्ड नहीं कहा। सिर्फ जो बात उसने अपनी माँ से कही वो ये थी कि अम्मा तुम्हें फिर दोबारा जल्द ही मिलूंगी। सिर्फ एक काम जो पोएटिस ने किया वो ये था कि वो मुस्कुराती रही और सिर्फ मुस्कुराती ही रही, है ना। तो ये थी समरी ऑफ द पोएम। तो चलिए अब पोएम शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ्ड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। डोज यानी कि टू स्लीप लाइटली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कुछ थोड़ी देर के लिए सोना,
लाइक नैपी. देन एशन, एशन का मतलब होता है विदाउट कलर बिकॉज ऑफ एज और इलनेस. कॉप्स यानी कि डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, एक लाश. ठीक है, चलिए तो इस स्टैंजा में पोएटिस क्या कहना चाहती है वो देखते हैं. पोएटिस को वो हर दिन याद आता है जब वो कार लेकर अपनी माता के घर से, अपनी मदर के घर से कोचीन जा रही थी, जहाँ उसने एक फ्लाइट पकड़नी थी. फ्राइडे यानी कि शुक्रवार की सुबह थी और उसकी माँ भी उसके बगल में बैठी हुई थी कार में. वो पोएटिस को सी ऑफ यानी कि विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर जा रही थी. लेकिन जब पोएटिस ने अपनी माँ की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसकी माँ सो रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था. उसका चेहरा एक लाश के चेहरे के जैसा बहुत पीला लग रहा था, एक मुर्दे की तरह. एक पेनफुल थॉट, एक विचार पोएटिस के मन में आया. उसे रियलाइज्ड हो गया कि उसकी माँ ना ही सिर्फ बूढ़ी हो गई थी लेकिन देखने में भी वो बहुत ही बूढ़ी लग रही थी, है ना. चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं. बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुकड अगेन एट हर. स्प्रिंट यानी कि रन वेरी फास्ट, बहुत तेजी से जाते हुए. मैरी यानी कि हमें सबको पता है, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, राइट. हैप्पी, मैरी यानी कि हैप्पी. स्पेलिंग यानी कि कमिंग आउट इन लार्ज नंबर. चलिए शुरू कहते हैं कि इस स्टैंजा में पोएटिस क्या कहती है. पोएटिस ने जल्द ही अपने माँ के वो पीले और बूढ़े चेहरे के विचार को अपने मन से निकाल दिया. वो बाहर की तरफ छोटे छोटे पेड़ों को देखने लगी जो कि तेज गति से स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए लग रहे थे. वह उन बच्चों को देखने लगी जो खुशी में अपने घरों से बाहर भागते हुए आ रहे थे. एंड में वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई और पोएटिस ने सिक्योरिटी चेक करवा ली. अब कुछ यार्ड दूर खड़े हुए उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा. ये बात नोटिस करने लायक है कि पोएटिस ने कार में आते वक्त अपनी माँ से एक भी वर्ड नहीं बोला था. अभी वो एक डिस्टेंस से, एक दूरी से उसकी तरफ सिर्फ देखती ही रहती है. शायद ये इस बात का एक सैड रिफ्लेक्शन है कि मॉडर्न यूथ, आधुनिक अभी के जो यंग जनरेशन है, वो लोग अपने बड़े यानी कि बूढ़ों के प्रति वो कितने दूर हो गए, शायद ये दिखाना चाहते हैं, है ना. चलिए लास्ट स्टैंजा देखते हैं. डैश वन पहली एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्ड हुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. वैन यानी कि मतलब होता है लुकिंग वीक, बहुत ही वीक लगना. पहले विथ स्किन ऑलमोस्ट वाइट, विदाउट कलर कह सकते हैं. एक कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ पेन जिसे कहते हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं कि क्या कहना चाहती है इस लाइन के द्वारा. अपनी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पोएटिस ने अपनी माँ की तरफ देखा जो कुछ ही दूरी पर बाहर खड़ी थी. माँ बहुत ही पीली और कमज़ोर यानी कि वीक लग रही थी. उसका चेहरा विंटर के लास्ट दिनों के मून यानी कि चांद की तरह पीली सफ़ेदी हुए दिखाई दे रहा था. पोएट को अपने शरीर में एक पुरानी, एक जाना पहचाना पेन महसूस हुआ. ये उसी तरह का था जैसा वो अपने बचपन में महसूस किया करती थी. जब भी उस पर कोई डर हावी हो जाता था, वैसा डर, वैसा पेन. फिर भी उसने अपनी माँ से कोई वर्ड नहीं कहा. सिर्फ जो उसने कहा वो ये था कि अम्मा, मैं तुम्हें जल्द ही फिर मिलूँगी.
सिर्फ जो काम उसने किया वो ये था कि वो मुस्कुराती रही और सिर्फ मुस्कुराती ही रही। ये लाइंस इस आइडिया, इस विचार को दिखाती है कि आज के युवा, आज के यूथ, आज के यंग जनरेशन लोग अपने बड़े बूढ़ों के लिए फीलिंग्स यानी कि सहानुभूति तो रखते हैं, फीलिंग्स तो है सबको, लेकिन वो उसे प्रॉपरली कम्युनिकेट यानी कि दिखा नहीं सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, स्टूडेंट्स जितने भी आप यंग जनरेशन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जितने भी मतलब एल्डर्स हैं, दादा दादी नाना नानी सबको, वो चाहते क्या है हमसे, सिर्फ प्यार चाहते हैं, है ना, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें ये चाहते हैं, हम अपने फीलिंग्स, हम जो उतना अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं वो हम दिखाएं, एक्सप्रेस करें, है ना। ठीक है, तो ये था ये थी आपकी पोएम, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।